जेडीयू के द्वारा आज किसान सम्मान समारोह रखा गया है, जिसको लेके जेडीयू कार्यालय में तरह तरह के पोस्टर लगे हैं। और इस पोस्टर में दो पोस्टर काफ़ी ज़्यादा खास है। एक पोस्टर जिसके आगे मैं खड़ी हूँ और आपको दिखाना चाहेंगे क्या कुछ लिखा है पोस्टर में, और पोस्टर के जरिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ दो गाय आगे है, ललन सिंह देख रहे होंगे आपको, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और किसान जो है वो दिख रहा है, और खेत में कहीं ना कहीं हल चलाती हुई तस्वीर नज़र आ रही है। इसका अर्थ ये है कि ललन सिंह जो है वो प्रभु श्री कृष्ण बनकर रथ पे सवार हैं और अर्जुन को मार्ग दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन का पद दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से INDIA अलाइंस की जो मुख्य तर जो काम है, और जिस तरीके से सारी विपक्षी एकता को उन्होंने एकजुट किया, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें कुछ ज़्यादा ही साफ नज़र आ रही है। लेकिन इस तस्वीर के माध्यम से आपको ये दर्शाया जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो प्रभु श्री कृष्ण की भूमिका में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अर्जुन की भूमिका में है। और ये तस्वीर जता रही है कि जिस तरीके से महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था ताकि महाभारत को जीता जा सके, उसी तरीके से ललन सिंह साथ दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 2024 के चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है और इन कम समयों में ही सारी जो रणनीतियां हैं वो तैयार करनी होगी। चलिए दूसरे पोस्टर की ओर बढ़े तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा है, और ये पोस्टर्स बहुत जेडीयू कार्यालय में पूरी तरीके से लग चुके हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं जेडीयू के लोग। देखिए लिखा है, सरकार ने किया था वादा, किसान की आय दूनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्या पता था महंगाई इतनी बढ़ेगी कि उनकी जेब सूनी हो जाएगी। जहाँ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और लिखा है, सत्ता में आएंगे तो छोटे सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, लेकिन जब सत्ता में आए और बंजर ज़मीन है, खेती नहीं हो रही है, सुखाड़ हो चुका है, और जो किसान है वो किसान कह रहा है किसानों से अब कहाँ गया, मुलाकात करते थे कहाँ वो मुलाकात करते थे, बस रोज़ नए ख्वाब की बात करते थे। कहीं ना कहीं जो कटाक्ष है वो जेडीयू कार्यालय के द्वारा और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नज़र आ रहे थे। और जुमले की जो सरकार है वो सबको धीरे धीरे समझ में आ गई है, और अब ललन सिंह बोल सकते हैं कि कृष्ण की भूमिका में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अर्जुन भूमिका में, और ये लोग मिल के बदलेंगे 2024 के चुनाव के परिणाम, क्योंकि 2024 के चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और चुनाव की रणनीति तैयार हो रही है। INDIA अलाइंस की बैठक तीसरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और कोर कमेटी भी बनाई गई है 14 सदस्य की, और जेडीयू के द्वारा ललन सिंह में भी उसमें शामिल थे कोर कमेटी में, और ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसमें दोनों शामिल है, ललन सिंह शामिल है, तेजस्वी यादव शामिल है। और इनका पोस्टर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आए। सहयोगी हीरा के साथ स्नेहा गुप्ता, आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।